आज की व्लॉग में मैं करने वाली हूँ वही जो आप लोग मुझसे करवाना चाहते थे। जी हाँ, आज की व्लॉग में मैं आप लोगों की दी हुई डेयर कंप्लीट करने वाली हूँ फाइनली। तो उस दिन मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पे लिखा हुआ था कि गेस द मूवी नेम एंड गिव मी अ डेयर। कुछ कुछ लोगों ने क्या किया, मूवी के नेम के साथ साथ डेयर भी दिया है और कुछ कुछ लोगों ने मुझे सिर्फ और सिर्फ डेयर दिया है। तो उसी के साथ साथ मैंने सोचा था कि कुछ कुछ डेयर लेना है, कुछ कुछ नहीं। फिर मैंने सोचा कि नहीं, सबका डेयर लेते हैं। तो उसी डेयर को मैं आज करने वाली हूँ। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं रही और आप सब लोगों को स्वागत है मेरी न्यू व्लॉग में। देखते हैं पहला डेयर किसने दिया है। तो यहाँ पे पहला डेयर जो है रियास लाइफस्टाइल की तरफ से है। तो उन्होंने कहा था कि हमें, मतलब जी हाँ, हमें नागिन डांस करना पड़ेगा। मतलब इतनी आसान सा डेयर कोई देता है बोला, मतलब कुछ बोलो कि पेड़ के ऊपर चढ़ के डांस करो, नो नागिन डांस। तो चलो करते हैं नागिन डांस, लेट्स गो। मैं इससे अच्छा नागिन डांस कर सकती थी पर मुझे बहुत हंसी आ रहा था। जब भी नागिन डांस के बारे में बात होती है ना, तो गाना सुनती हूँ तो काफ़ी ज़्यादा हंसी आती है, इसलिए मैंने मास्क पहन लिया था। आई नो मैंने इतना अच्छा डांस किया कि मैं क्या बोलूँ, लोग अभी बेहोश हो पड़े होंगे। तो नेक्स्ट डेयर पे जाते हैं। नेक्स्ट डेयर जो है वो मुझे दिया था नाशिमा ने। उन्होंने कहा था कि मुझे मेरे क्रश को प्रपोज करना होगा। मतलब दिल की बात छीन ली एकदम। मतलब क्रश को प्रपोज करना एक आर्ट है, एक कला है। तो उस कला को कैसे प्रदर्शन करते हैं, मतलब कैसे करते हैं देखते हैं। सुबह सुबह नींद से उठ के लोग करते हैं ब्रश। तो आइए जान लेते हैं कौन है मेरे क्रश। तो मेरा क्रश जो है, जिनको देख के मैं हो जाती हूँ बेहोश, तो वो है वन एंड ओनली हर्षवर्धन रानी। जी हाँ, मुझे उनकी फेवरेट मूवी सनम तेरी कसम, मतलब मूवी जब मैं देखती हूँ ना तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट फील होती है। तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम, डैशिंग, मतलब क्या क्या है मैं बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है। तो अगर मैं उनको प्रपोज करूँगी, मतलब अगर वो मेरे सामने होते तो मैं अभी यहाँ पे बेहोश पड़ी होती। पर नाउ द टाइम जब क्रश को प्रपोज करने की बात आती है तो मैं उन्हें प्रपोज करना चाहूँगी। तो मैं कुछ ऐसे करूँगी, तो दिखाती हूँ। क्रश जी, अगर आप हमें सुन सकते हैं तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि हमें आपके साथ रोज़ सुबह उठ के 5 बजे जिम जाना है। आपकी जैसे डोले शोले तो मैं नहीं बना सकती, आपके साथ मतलब मुझे प्रोटीन शेक पीना है और आपकी डोले में मुझे झूला झूलना है। और आप कहो तो आपके साथ मैं उम्र भर के लिए कैद होना चाहती हूँ जिम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे ही तो आप अपनी बॉडी शॉडी बनाते हैं और हमें आपकी बॉडी शॉडी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। तो मुझे आपकी मूवी की जो वो सीन था ना, सनम तेरी कसम, वो लास्ट वाला, कि मैं टेस्ट याद करने के लिए पीता हूँ। तो छोड़ दिया है मैंने पीना कसम से, बस साल में एक दो बार टेस्ट याद रखने के लिए पी लेता हूँ। सनम तेरी कसम वो वाला सीन मुझे आपके साथ करना है और आपके साथ मुझे डेट पे जाना है। तो आप मेरे साथ डेट पे चलो, क्योंकि मुझे नहीं पता, आपको जाना पड़ेगा और आपको पटना भी पड़ेगा। तो पट जाओ ना, इतना प्यार से एक क्यूट सी लड़की बोल रही है, थोड़ा सा पट जाओ प्लीज। एंड दिस इज फॉर यू। बेतहाशा दिल ने तुझको ही चाहा है, हर दुआ में मैंने तुझको ही मांगा है, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, तेरा जाना जैसे कोई बद्दुआ, दूर जाओगे जो तुम मर जाएंगे हम, सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम ओ सनम तेरी कसम। क्रश को प्रपोज करने के बाद अब आती है बारी किस चीज़ की,
सिंपल सी बात है डियर की। तो नेक्स्ट ईयर यहाँ पे दिया है मुझे सुचिस्मिता मजुमदार ने, तो उन्होंने कहा है कि मुझे मेरी फेवरेट मूवी एक्टर्स की मिमिक्री मतलब एक्टिंग करके दिखाना पड़ेगा। तो चलो करते हैं। मुझे जो मूवी कैरेक्टर मतलब अच्छा लगता है वो मेरे फेवरेट नहीं है लेकिन मुझे अच्छा लगता है, और एक है नॉट द लिस्ट बट वो भी मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। और पहला जो है वो है गली बॉय, मतलब आलिया भट्ट ने एक डायलॉग दिया था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और मुझे तो काफ़ी ज़्यादा पसंद है और मैं वो करना पसंद करूँगी भी। तो वो था ये, मेरे बॉयफ्रेंड के साथ गुलू गुलू करेगा तो भौंकेगा ही ना। और नेक्स्ट आती है ये वाली, मतलब अगर वो भाभी जी घर पे है वो सीरियल आता है ना, तो मुझे उसमें भाभी जी का कैरेक्टर काफ़ी ज़्यादा पसंद है। मतलब वो ऐसे बोलता है ना लड्डू के भैया, अरे लड्डू के भैया मैंने आपके लिए गाजर का हलवा बनाया है, खाएंगे नहीं का, ऐसे बोलती है, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट ईयर जो है वो दिया है मुझे विशाल रॉय, मतलब शाइना दी की तरफ से उन्होंने कहा था कि मुझे मेरी मम्मी की साड़ी यूज़ करके 6 डिफरेंट लुक क्रिएट करना पड़ेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और थोड़ी बहुत चैलेंजिंग भी। तो लेट्स गो, जाते हैं ट्राई करके देखते हैं कि कैसे बनने वाला है ये लुक। और आप लोग भी अपना दिल थाम के बैठिए और मेरे लिए वेट कीजिए कि लुक कैसे आने वाला है। तो लेट्स गो। आते हैं तो नेक्स्ट ईयर मुझे यहाँ पे दिया है तबस्सुम खातून ने, मेरी दोस्त है, तो उसने कहा था कि आमरा छोटोबेलाय जेटा करतम सेटा करे देखा, मींस हम लोग रोलर के ऊपर में स्लाइड करते थे तो वही मैं करके दिखाऊंगी। तो उससे पहले रोलर की साइड पे चलते हैं और फिर मस्त ऐसे स्लाइड मारते हैं। मैं आ गई हूँ रोलर का सवारी करने के लिए, तो रोलर बिल्कुल मेरे पीछे तैयार बैठा है, धूप में एकदम पूरा एकदम रेडी होके गर्म होके बैठा है। अब मैं उस पर अगर चढ़ूंगी तो मतलब सोच ही सकते हो क्या होने वाला है, पर कोई नहीं, जाके देखते कितना गर्म है फर्स्ट, फिर स्लाइड करेंगे इसको। मतलब इसको देख के ही लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा गर्म होगा, सच में ये बहुत ज़्यादा गर्म है, बहुत ही ज़्यादा, सारा दिन धूप में रहता है सुबह से लेके मतलब शाम होने तक। तो कोई नहीं, चलो गरम वाला स्लाइड लेते हैं, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, लेट्स गो। तो मैंने ये वाली डेयर भी कंप्लीट कर दिया है और एक्साइटेड क्योंकि मैं नहीं थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था तो वो वाली आवाज़ बिल्कुल नहीं कर सकती थी मैं, वो बिल्कुल मेरे मुंह से नहीं निकल रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म था। मैं तो सोच रही थी कब इसके नीचे उतर जाऊँ मैं, तो ये वीडियो कंप्लीट कर दिया उसी के साथ साथ। अब खुश हो जाओ कि मैंने कर दिया है, लाइक वाइक करो। आई होप कि आप सब लोगों ने ये डियर वाली ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया है और मैंने भी ये ब्लॉग को करते करते काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर लिया है। तो अभी आती है बारी ब्लॉग को एंड करने की, पर उससे पहले एंड करने से पहले मैंने यहाँ पे कुछ कुछ डियर लिया था और बाकी कुछ या फिर 3 डियर जो है वो अभी भी बाकी है, पर मैं एक ब्लॉग में नहीं कर सकती, इसके लिए आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट डियर कब आएगा।
सो स्टे ट्यून। तो आज का व्लॉग मेरा यही था कि था, मिलते हैं आप लोगों से एक न्यू व्लॉग में। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना और अपनी फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कर देना। एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुद से प्यार करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।